अज तो करीब 266 साल पहला बंगाल के नवाब सराजू दौला वालों कलकत्ते दे फोर्ट विलियम ते हमला किया गया। अंग्रेजा नू ए रिहायशी किला छड़ के भजना पिया। सराजू दौला ने आत्म समर्पण करने वाले गोरिया नाल नरमी वरतण दा वचन दिता तां 145 गोरे पेश हो गए। 18 जून 1756 नू उना गोरिया नू एक 18 फुट लंबे ते 14 फुट चौड़े कमरे विच बंद कर दिता गया। गर्म रुत ते भुख प्यास कारण 100 तो वध गोरे सिपाही ते परिवार दम घुटन नाल मर गए। इतिहास की इस 250 पुरानी गाथा नू पूरी दुनिया विच ब्लैक होल ऑफ कैलकटा दे नाम नाल याद किया जाता है, जिसकी यादगार भी बनी है। कलकत्ते की इस घटना के 228 साल पिछों भी भारतीय फौजियों ने उसे तरह की दरिंदगी नाल ब्लैक होल का साका अमृतसर विखे दोहराया, पर यह करतूत कितने ज्यादा भयानक ते शर्मनाक सी। इत्थे कमरे च मरन वाले फौजी नहीं सगो आम नागरिक सन, जिन्हां विच बहु गिणती बजुर्ग बीबिया ते बच्चे सन। इत्थे कमरे का आकार भी सिर्फ 8 फुट चौड़ा ते 10 फुट लंबा सी। जून 1984 विच भारत सरकार वालों वड्डी तादाद विच तोपां टैंक ते हवाई जहाज लैके सिख नसल कुशी दे इरादे नाल श्री अकाल तख्त साहिब ते हमला किया गया। 5-6 जून 1984 की खूनी रात नू गुरु रामदास सरां दे कमरे यात्रियों ते श्रद्धालुओं नाल भरे पए सन। भारतीय फौज ने इत्थे कमरा नंबर 8 विच कलकत्ते दी काल कोठड़ी यानी ब्लैक होल तो भी किते ज्यादा भयानक साका वरता दिता। पंजाब विच जून महीने की सख्त गर्मी, बिजली पानी बंद, भुखे प्यासे अंदर ताड़े सिख, बाहर तोपां टैंकां दे गोले अते मशीन गन्नां दीआं गोलियां दे धुआं धार वायुमंडल विच बजुर्ग बीबियां ते बच्चियां दे तड़फण ते चीक चिहाड़े दीआं दिल चीरवीआं आवाज़ां वी देश दे राखे अखवाउण वाले भारतीय फौज दे जवानां दे दिल विच तरस दी भावना पैदा ना कर सकीआं। सरां विच मौजूद सज्जण सिंह मरगिंदपुरी ने अखीं डिठे हालात दी चिट्ठी ज्ञानी जैल सिंह नूं लिखी, जिस विच उसने लिखिआ सी, सिख नौजवान अते कुछ होर श्रद्धालु यात्री जो श्री गुरु अर्जन देव जी दे शहीदी पुरब मनाउण लई दरबार साहब गए सी कमरा नंबर 61 विच ठहरे हुए सी। फौज ने जद सरां दा कब्जा संभाल लिया तो हरेक कमरे की तलाशी लई, कमरियां विचों उन्हां नूं कोई भी अयोग चीज प्राप्त ना हुई अते ना ही किसी पासों कोई हथियार आदि प्राप्त होया। फौजियां ने उस कमरे विच 60 श्रद्धालुओं नूं जिंदरा ला के अंदर बंद कर दिता, बारियां अते बिजली भी बंद कर दिती। 5-6 जून 1984 नूं बहुत सख्त गर्मी की रात सी, अंदर बंद किए सिख श्रद्धालु सख्त त्रेह नाल तड़फ रहे सी। सिख श्रद्धालुओं ने अंदरों जोर नाल दरवाजे ते हाथ मार मार ड्यूटी ते खड़े फौजियों तो पानी मंगया, उन्हां पानी की थां गालां देनियां शुरू कर दित्तियां अते ना ही दरवाजा खोलिया। त्रेह ते बंद कमरे की गर्मी नाल उन्हां दा साह घुटिया जा रहा सी अते बेहोश हुंदे जा रहे सन। दूसरी सवेर 6 जून नूं सवेरे 8 बजे दरवाजा खोलिया गया, उदों नूं उन्हां 60 सिख श्रद्धालुओं विचों 55 मर चुके सन, बाकी 5 वी अध मोए हो चुके सी। जिउंदे बचे सिखां नूं फौजी अपने कैंप विच लई जेल विच लै गए। अफसोस की गल यह है कि अमृतसर की काल कोठड़ी च मरण वालियां ते गवाहां दी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। डॉक्टर महेंद्र सिंह ढिल्लों अपनी किताब ब्ल्यू स्टार घल्लूघारा विच इस घटना सने गुरु रामदास सरां विच कई होर अजिहे बेकिरक अते दिल चीरवें वाकियां दा जिक्र करदे हन। सिंह साहब ज्ञानी कृपाल सिंह साबका जहेदार श्री अकाल तख्त साहब अपनी किताब अखीं डिठा साका नीला तारा विच गुरु रामदास सरां दे 5 नंबर हाल विच 4 जून तो बंद किए 35 सिखां चों 31 दे त्रेह नाल तड़फ तड़फ के चढ़ाई कर जाण दी गवाही भरदे हन। इस सरां विच भारतीय फौज वल्लों अंदाजन 900 बीबियां बच्चे ते बजुर्ग श्रद्धालु वख-वख तरीकियां नाल कतल किए गए। सरकारी पक्ष तो लिखी ब्रिगेडियर ओंकार सिंह गुराया की किताब ब्ल्यू स्टार एक अणकही दास्तां विच उन्होंने फौज की गोली नाल मरे श्रद्धालुओं का वेरवा दिंदिया कहा है कि फौज उपर दोष मढ़ना गैरवाजब होवेगा क्योंकि उन्होंने कमरे खाली कराउण दा यही तरीका सिखाया जाता है। अफसोस की गल यह है सरां दे वेड़े विच इस अणमनुखी साके की यादगार बनाउण थावें श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की तत्काली प्रधान बीबी जगीर कौर ने सन 2021 च सिर्फ 90 साल पुरानी इस सरां नूं ढोण दे हुक्म चाढ़ दिते, जदों कि फोर्ट विलियम किला ते गोरियां दी यादगार अंग्रेज़ वल्लों भारती हिंदू नूं पावर ट्रांसफर करके चले जाण तों 72 साल पिछों भी कायम है।